हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि इससे कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है। जो महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट में लिए जाने चाहिए उनके लिए समय कम हो जाता है, और इस तरह अधिकारी मनमानी करके विभिन्न प्रकार के केसेस कोर्ट तक पहुंचा देते हैं। तो उनको इन चीजों में ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कास्ट भी लगाई जाएगी। तो हाई कोर्ट ने अधिकारियों के ऊपर कॉस्ट भी लगाई है और उनको चेतावनी भी दी है कि वो एक्ट के अनुसार ही काम करें, मनमानी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए देखते हैं इस प्रकार का कौन सा आदेश है जो आगे हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। आइए देखते हैं। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट सेक्शन 73 सब सेक्शन 8, इसके बारे में बताया कि इसमें जो नोटिस देने की समय सीमा है वो क्या है। परमिट्स ए पर्सन चार्जेबल विद टैक्स फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ द सो कॉल्ड नोटिस टू मेक पेमेंट ऑफ सच टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पेबल। तो जो नोटिस है उसके अगेंस्ट या तो वो रिप्लाई सबमिट कर सकता है या फिर उस टैक्स को जमा कर सकता है। कितने दिन में? 30 दिन का उसको समय मिलता है। लेकिन यहां पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या किया गया, इफ ही डज नॉट विश टू मेक पेमेंट देन विद इन द 30 डे पीरियड ही कुड फाइल ए रिप्लाई टू द सो कॉल्ड नोटिस। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस के आर श्रीराम एंड जस्टिस ए आर डॉक्टर हैज ऑब्जर्व दैट टू फाइल ए रिप्लाई टू द सो कॉल्ड नोटिस द स्टेटरी पीरियड कैन नॉट बी आर्बिट्रली रिड्यूस टू 7 days बाय द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, जो 30 दिन का समय देना चाहिए था वो केवल और केवल 7 दिन का समय दिया। तो क्या लॉ में जो पीरियड दिया गया है उसको भी कोई असेसिंग ऑफिसर घटा सकता है? इस पर विचार किया गया और उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। दीज एक्ट ओमिशंस ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स ऑफिसर्स आर एडिंग टू द ऑलरेडी ओवरबर्डन डॉकेट्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऊपर क्या करते हैं, इस प्रकार के ऑफिसर जो है बर्डन बढ़ाते हैं, ओवरबर्डन कर देते हैं। वैल्यूएबल जुडिशियल टाइम इज वेस्टेड बिकॉज सच अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर्स आर बीइंग पास्ड बाय रेस्पॉन्डेंट ऑफिसर्स। इन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी केस आए उनको विधिवत देखें और उसी हिसाब से उनको समय दें, उसी हिसाब से उसका ऑर्डर भी पास करें। लेकिन ये जिम्मेदार पूरा काम न करते हुए गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, जिससे कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है। The officers do not seem to understand or appreciate the hardship that is caused to the general public, the court said. तो कोर्ट ने इनको माना कि इन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। जो लॉ में टाइम प्रोवाइड किया गया है 30 दिन का, वो भी पूरा समय नहीं दिया, केवल और केवल समय दिया 7 दिन। The court assumed that petitioner could afford to spend on a lawyer and approached the court. But for every petitioner, at least 10 could not be able to afford a lawyer and approach the court, and their registration may get cancelled by the very same officers who have passed such patently illegal orders. तो इन्होंने ये यहाँ पर माना कि सभी लोग, यानी सभी petitioners या सभी जो इससे पीड़ित हैं, वो court तक नहीं आ सकते हैं, और कोर्ट में लॉयर की फीस देनी होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको वो बियर नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में ये अधिकारियों को सोचना चाहिए कि वो इस तरीके के आर्डर पास ना करें जो उससे कि जो पेटिशनर है वो परेशान हो और उसको इतना कॉस्ट लग जाए, इतनी फीस देनी पड़े, जो कि सभी के लिए संभव नहीं है। तो कोर्ट ने ये माना और इसीलिए फिर उसको पेनल भी किया कि यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है। और इसके साथ साथ सरकार को भी ये बताया कि इन पर ध्यान दें। उसके लिए क्या बताया है वो भी आगे देखते हैं। अ डिविजनल बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट जीएसटी ऑर्डर पास बाय टैक्स अथॉरिटीज विच ग्रांटेड ओनली 7 days टू फाइल ए रिप्लाई टू ए सो कॉल्ड नोटिस इज पेनल इलीगल एंड द हाई कोर्ट आल्सो आस्क द टैक्स अथॉरिटीज टू डोनेट रूपीज 10,000 टू द पीएम केयर्स फंड।
यानी उनके ऊपर कास्ट लगा दी कि 10,000 रुपए वो पीएम केयर्स फंड में जमा करें। तो यहां पर अधिकारियों को ध्यान देकर के काम करना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आप गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बोला, द ऑर्डर वॉज इरेनियस बिकॉज इन द एससीएन ओनली 7 days वर गिवेन टू रिप्लाई टू द नोटिस एंड ऑन द 8th day द ऑर्डर केम टू बी पास। 7 दिन का ही केवल आपने समय दिया और 8वें दिन आपने ऑर्डर भी पास कर दिया, जबकि आपको समय देना था। द क्वेश्चन ऑफ नॉट पेइंग द टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विद इन 30 days ऑफ द इश्यू ऑफ द नोटिस विल नॉट अराइज, कोर्ट सेड। आगे कोर्ट क्या कहती है, द कोर्ट हैज ऑल्सो आस्क्ड अ कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर टू बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम सीबीआईसी एंड टू द चीफ कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स इन महाराष्ट्र। यानी वो पैसा जमा करें, जमा करने के बाद उसकी कॉपी भी भेजें। आगे, सो दैट दे कुड एटलीस्ट होल्ड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशन। यानी ये भी कहा कि ऐसे अधिकारियों के लिए या कोई ट्रेनिंग बनाई जाए जिसको वो पास आउट करें, या ओरिएंटेशन सेशन किए जाएं जिससे कि उनको इनके संबंध में जानकारी हो पाए। तो इन्होंने क्या कहा, सो दैट दे कुड एटलीस्ट होल्ड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशन एंड कोर्स टू अप्रेज एंड एजुकेट इट्स ऑफिसर्स ऑन द प्रिवेलिंग लॉ एंड रूल्स फ्रेम देयर अंडर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टू देम व्हाट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मीन। तो इनको इस तरह के सेशन किए जाएं और उनको ये लॉ के बारे में समझाया जाए, साथ में ये भी समझाया जाए कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है। तो इन सब चीजों के लिए कोर्ट ने बताया और इन लोगों पर इस तरीके के नियम लागू होंगे। तो अब जो अधिकारी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। इसी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.taxdkp.com पे। और यहाँ पर भी हमने बहुत सारी चीजें एड ऑन करी हुई हैं। इसमें अभी लेटेस्ट हमने एक जीएसटी कैलेंडर एड ऑन किया हुआ है। ये जीएसटी कैलेंडर है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, जिसमें पूरे साल की जीएसटी की ड्यू डेट्स दी गई हैं। इसी के साथ साथ एक हमने हाउ टू हैंडल स्क्रूटनी प्रोसेस इन जीएसटी, इसके बारे में भी एक स्पीच दी हुई है, वेबिनार की हुई है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वहां से उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे स्क्रूटनी प्रोसेस को हमें हैंडल करना चाहिए। थैंक यू।